राहुल गांधी का नामकरण उनकी दादी इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन मजेदार किस्सा ये है कि इंदिरा राहुल नाम अपने बड़े बेटे का रखना चाहती थी, यानी राजीव गांधी का। दरअसल उद्योगपति कमल नयन बजाज के घर बेटा हुआ तो पारिवारिक मित्र जवाहरलाल नेहरू उनके घर पहुंचे। कमल नयन ने उनसे अपने बेटे का नाम सुझाने के लिए कहा। नेहरू जी ने राहुल नाम रखने का सुझाव दे दिया। इंदिरा ये नाम अपने बेटे का रखना चाहती थी और इसी वजह से वो कुछ दिन नेहरू जी से अपसेट भी रही। बाद में ये नाम उन्होंने अपने पोते का रखा। राहुल के शुरुआती 12 से 13 साल बहुत आराम से गुजरे, लेकिन 1984 में अचानक हुई इंदिरा गांधी की हत्या ने एक धर्रे पर चल रही उनकी कहानी को नया मोड़ दे दिया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की कहानी में इसे परिवारवाद कहिए, नियति कहिए या भारतीय राजनीति की विडंबना, लेकिन सच यही है कि राहुल गांधी को राजनीति में आना ही था। लेकिन उनकी कहानी में सियासत का मोड़ उत्साह और रोमांच की डगर से होते हुए नहीं, बल्कि इस राह की इबारत हादसों के साए में लिखी गई। वैसे राहुल गांधी की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के इस होली फैमिली हॉस्पिटल से, जहां 19 जून 1970 को राहुल का जन्म हुआ। जन्म के वक्त दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने ही नवजात का नाम राहुल रखा। राहुल का जन्म परिवार में खुशियों की सौगात लाया। सबसे बड़ी बात ये कि राहुल के जन्म ने इंदिरा और सोनिया के बीच की दूरियां पाट दी थी। दरअसल राहुल के जन्म से पहले सोनिया गांधी का एक बार गर्भपात हुआ था। उस वक्त योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी इंदिरा को योग सिखाने आते थे। इंदिरा की जिद पर सोनिया को भी योग सीखना पड़ा, जबकि प्रेगनेंसी के दौरान वो योग को लेकर सहज नहीं थी। लेकिन राहुल के आगमन ने घर में माहौल बदल दिया। राहुल माँ बाप के अलावा इंदिरा के चहेते थे। इंदिरा को जब मौका मिलता वो रात में राहुल और प्रियंका को अपने साथ सुलाती ताकि उनके साथ समय गुजार सके। इंदिरा और सोनिया भी करीब आने लगे। Every one of us has been influenced by Mrs. Gandhi, Priyanka in another way, Rahul in another way. राहुल गांधी की उम्र सिर्फ 10 साल थी जब संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत हुई। और वो महज 14 साल के थे जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा को हत्या की आशंका होने लगी थी। लिहाजा दून स्कूल में पढ़ने भेजे गए राहुल को पहले ही वापस दिल्ली बुला लिया गया था। बच्चों को ताकीद थी कि वो घर के गेट के बाहर ना खेले। हत्या से महज 4 दिन पहले इंदिरा राहुल और प्रियंका को श्रीनगर की एक दिन के ट्रिप पर ले गई थी, जैसे बचपन में राजीव और संजय को ले जाया करती थी। हत्या से एक दिन पहले इंदिरा भुवनेश्वर में थी जब उन्हें राहुल और प्रियंका के कार की एक्सीडेंट की खबर मिली। हादसा गंभीर नहीं था, लेकिन इंदिरा बच्चों को देखने के लिए रात में ही घर लौट आई। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए विदा किया और फिर चंद मिनट के बाद इंदिरा गांधी की उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं स्कूल से वापस घर आया और वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। मेरी दादी को छलनी करने वाले बेअंत सिंह ने मुझे बैडमिंटन खेलना सिखाया था। 31 अक्टूबर 1984 के बाद अगले 5 साल तक राहुल और प्रियंका स्कूल नहीं गए। दरअसल सुरक्षा कारणों से उनकी होम स्कूलिंग हुई,
बारहवीं के बाद राहुल स्पोर्ट्स कोटे से सेंट स्टीफेंस कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ एक साल पढ़ने के बाद राहुल गांधी पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। होम स्कूलिंग के दौरान राहुल गांधी का बहुत वक्त अलग अलग खेल सीखते हुए बीता। राहुल गांधी अरावली रेंज में शूटिंग का प्रशिक्षण लिया करते थे, जिसके आधार पर उन्हें स्पोर्ट्स कोटे में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन मिला। राहुल ने जापानी मार्शल आर्ट अकीडो की लेवल 1 की ब्लैक बेल्ट हासिल की है। उन्हें तैराकी का शौक था तो वो भी सीखी। भारत लौटने के बाद उन्होंने कुछ महीने द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त बॉक्सिंग कोच ओपी भारद्वाज से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी ली। एक्सरसाइज करता हूं, रनिंग करता हूं, स्विमिंग करता हूं। मैं पता नहीं आपको आइकिडो का नाम आपने सुना है, उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूं। तो मैं करता रहता हूं। बस एक बात है, मैं पब्लिकली इन चीजों के बारे में नहीं बोलता, मगर मेरी जिंदगी में स्पोर्ट्स काफी जरूरी है, रहा है और रहेगा। हार्वर्ड में राहुल ने एक साल ही गुजारा था कि राजीव गांधी की तमिलनाडु की एक चुनावी रैली में हत्या कर दी गई। राहुल गांधी के लिए यह खबर ऐसा झटका थी जिससे कभी उबरा नहीं जा सकता था। दरअसल सोनिया, राहुल और प्रियंका सबको राजीव गांधी की सियासत में जाने से एतराज था, क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी की आशंका थी। श्रीलंका में जब राजीव गांधी पर हमला हुआ तब यह आशंका और बलवती हुई, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। हाँ, इस हादसे में भारतीय राजनीति की कहानी में एक नया नाटकीय मोड़ आ गया, क्योंकि 1991 का चुनाव लड़ा तो मंडल कमंडल के मुद्दे पर गया था, लेकिन सत्ता में आई कांग्रेस। सोनिया ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया था, लिहाजा नए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बने। इस बीच राहुल गांधी जब अस्थि विसर्जन के लिए इलाहाबाद जा रहे थे, तब उन्हें पहली बार राजनीति में उतरने का विचार आया। राहुल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने फैसला ले लिया जब मैं अपने पिता की अस्थियों के साथ ट्रेन से इलाहाबाद गया था। संयोग से जैसे ही हमने यूपी में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि बाहर हजारों लोग हमारे साथ दौड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर दुख और नुकसान के भाव थे। तब मुझे लगा कि अपने पिता के पुत्र के रूप में मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। यूं यह हादसा नहीं होता तो क्या राहुल गांधी राजनीति में नहीं आते? ये एक काल्पनिक सवाल है, लेकिन राहुल की कहानी में उनके सियासी जुड़ाव में राजीव गांधी की हत्या ने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि राजीव की हत्या के करीब 6 साल बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली, और फिर कभी उनके लिए प्रचार करते हुए तो कभी राजनीति बताते हुए राहुल गांधी धीरे धीरे राजनीति में उतरते चले गए। इससे पहले 24 अगस्त 1995 को जब सोनिया गांधी ने अमेठी पहुंचकर पहली बार राजीव गांधी की हत्या की धीमी जांच के लिए नरसिम्हा राव सरकार पर सीधा हमला बोला था, तो राहुल उनके साथ थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने लंदन में कुछ दिन नौकरी की, जहां उन्हें अच्छा वेतन मिलता था। लंदन में राहुल रॉल विंसी के नाम से काम करते थे, और उनके साथियों को पता नहीं था कि वो भारत के गांधी परिवार के सदस्य हैं, लेकिन नाम बदलने से नियति नहीं बदलती। आज तक ब्यूरो।